फ्रेंड्स, मैं हूँ भाविनी। वेलकम टू माय चैनल एट द कुकिंग हाउस। कोई भी त्यौहार हो तो बाहर की स्वीट से टेस्टी और हेल्दी स्वीट घर पर ही बना के रेडी करें। तो आज मैं आपके साथ चॉकलेट पेड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं रेसिपी बनाने का तरीका। मैंने ये मावा पहले से ही बना के रेडी कर लिया है। मावा की रेसिपी आपके साथ मैं जल्द ही शेयर करूँगी। 200 ग्राम मावा लिया है। ये मावा में मैं 1 बाउल शुगर ऐड करूँगी। शुगर ऐड करने के बाद ये मिक्सचर को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, जिससे मावा जल नहीं जाए, और गैस फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। मावा को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहेंगे, जिससे मावा का स्मूथ टेक्सचर बनके रेडी होगा। वैसे भी घर पर बनी हुई स्वीट हाइजीनिक होती है, और आप ये स्वीट को एक हफ्ते के लिए फ्रिज स्टोर कर सकते हो। आप वीडियो में देख सकते हो शुगर मेल्ट हो गई है। मावा में शुगर का पानी का पार्ट नहीं रहेगा, तब तक मावा को कुक करते रहेंगे। आप देख सकते हो स्मूथ टेक्सचर बनने की शुरुआत हो गई है। कंटिन्यूसली ऐसे ही हम मिक्स करते रहेंगे। पाँच से सात मिनट हो गई है। शुगर में का पानी का पार्ट जल के मावा रेडी हो गया है। तो गैस फ्लेम ऑफ करती हूँ। मावा को निकाल लेते हैं। मावा को हम अच्छे से ठंडा करेंगे, फिर बाद में ही उसको यूज़ करेंगे। ठंडा होने के बाद उसको यूज़ करने से हमारा बहुत ही परफेक्ट पेड़ा बन के रेडी होगा। मावा को थोड़ा फैला देती हूँ, जिससे ये मावा जल्दी से ठंडा हो जाए। मावा हमारा ठंडा हो गया है। हम बिल्कुल ठंडा भी नहीं करेंगे, थोड़ा हल्का वर्म रखेंगे, जिससे हम मावा को अच्छे से मसल सके। तो मसलने से हमारा ये मावा स्मूथ बनेगा। आप जितना अच्छे से मसलेंगे, उतना ही ये पेड़ा टेस्ट में डिलीशियस बनेगा। आप देख सकते हो मसलने से हमारा स्मूथ टेक्सचर बनके रेडी हो रहा है। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा परफेक्ट पेड़ा का जैसा टेक्सचर आता है, वैसा हमारा परफेक्ट टेक्सचर बनके रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बहुत स्मूथ भी नहीं, और बहुत कना भी नहीं। हम इधर परफेक्ट टेक्सचर बना के रेडी कर लिया है। ये मावा को मैं थोड़ा फैला देती हूँ। अभी इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करूँगी, और फिर बाद में वापस अच्छे से मसल लूँगी और चॉकलेट डो रेडी कर लेंगे। मावा और कोको पाउडर का परफेक्ट डो बन के रेडी हुआ है। ये मावा में से छोटा पार्ट लेके पेड़ा का शेप बना देती हूँ। देखिए कितना इजी तरीके से चॉकलेट पेड़ा बन के रेडी हो रहा है ना। ये मैंने परफेक्ट रोल बना लिया है। अभी उसको अच्छे से थोड़ा प्रेस करूँगी, जिससे हमारा ये परफेक्ट पेड़ा बन के रेडी हो गया है। ये दिखने में कितना डिलीशियस लग रहा है, आपको देख के ही खाने का मन हो गया होगा। इतना अच्छा हमारा ये पेड़ा बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही मैं दूसरा पेड़ा भी बना के रेडी कर लेती हूँ। सारे पेड़ा बन के रेडी हो गया है, तो इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स से गार्निश करूँगी। चॉकलेट चिप्स की रेसिपी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिल सकती है। चॉकलेट चिप्स रखते समय हम ऐसा हल्का सा थोड़ा प्रेस करेंगे, जिससे हमारी ये चिप्स निकल नहीं जाए। घर पे बना हुआ चॉकलेट पेड़ा बहुत ही अच्छे से हमारा रेडी हो गया है। त्यौहार हो या घर पे कोई भी शुभ फंक्शन हो, तो यह डिलीशियस चॉकलेट पेड़ा जरूर से बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।